गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल एमएलएम राशिद में, और मैं दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त है, जबरदस्त है, शानदार है, बिंदास है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा जो चैनल है क्रिप्टो करेंसी प्लस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, जहां पर मैं आप लोगों को रेगुलर इन्फॉर्मेशन नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता हूं, जिन नॉलेज इन्फॉर्मेशन को पाकर के आप डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर भी किया आप लोगों, तो जैसे कि कल एक वीडियो शेयर की थी जिसमें दोस्तों आपको पता है कि वजीरएक्स के ऊपर जो 2071 करोड़ के कुछ मामला का एक मामला सामने आया है, जिसके बारे में लिखा गया था कि इनका जो है नोटिस इनको जाएगा। और वहां पर आपने देखा है कि निश्चल चैटर्जी ने साफ लिखा है कि सर नोटिस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, देखिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि निश्चल चैटर्जी को मैं रेगुलर देखता हूं, वजीर उस पर ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और रेगुलर लिखते हैं इंडिया वांट्स क्रिप्टो, यानी कि उनकी एक्टिविटी एकदम पॉजिटिव रहती है, वो एकदम पॉजिटिव सोचते हैं और इंडिया के अंदर क्रिप्टो को चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा निश्चल चैटर्जी ने शायद ही किया हो और कुछ ऐसा शायद ना हुआ, क्योंकि ये जो मामला सामने आया, ये बाइनेंस एक्सचेंज और वजीरएक्स एक्सचेंज के बीच के जो ट्रांजेक्शन, यानी कि INR में डिपोजिट करके लोग USDT बाय कर लेते हैं, उस तरीके का कुछ ट्रांजेक्शन है। तो वहां पर निश्चल चैटर्जी ने साफ लिख दिया कि हमने सभी लोगों की KYC कराई हुई है, आप प्रॉपर उसको चेक कर सकते हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, देखिए जो भी मामला है ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और अभी इसका इफेक्ट मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, WRF टोकन के ऊपर जैसे लोगों बता रहे थे कि सर WRF टोकन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा है, तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि आज सैटरडे है और सैटरडे और संडे को आपने देखा होगा कि वीकेंड होता है, तो सैटरडे संडे मोस्टली मार्केट थोड़े से डाउन हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट सैटरडे संडे का भी है, और थोड़ा सा इफेक्ट जब कुछ लोग क्या होते हैं कि जो बिगिनर्स होते हैं या जो जल्दी घबरा जाते हैं, जिनमें पैसेंस रखने की हिम्मत नहीं होती है, तो जल्दी घबरा करके बहुत से लोग क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं या WRS कॉइन को उन्होंने सेल कर दिया होगा, तो उसमें थोड़ी सी गिरावट हमें देखने के लिए मिल जाती है। मतलब कोई पर्टिकुलर का WRS क्वाइन ही नहीं है, कोई भी XYZ क्वाइन है, जब उसकी कुछ पैनिक न्यूज निकलती है तो कुछ लोग घबरा कर, देखिए जिन लोगों के अंदर पैसेंस है, जिन लोगों के टारगेट बड़े हैं, जिन लोगों के ड्रीम्स है, वो लोग तो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाते कि वो अपना लॉस कर ले, लेकिन जो बेचारे बिगिनर्स है, जिनके टारगेट नहीं है, वो क्या होते हैं, ऐसा कदम उठा लेते हैं और पैनिक सिचुएशन में आकर के अपने क्वाइंस को लॉस में सेल कर देते हैं। और जब लॉस में कोई भी क्वाइन सेल होता है तो उसकी मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो इसी तरीके का WRX में भी थोड़ा सा हुआ होगा और सैटरडे संडे की वजह से थोड़ा सा हमें डाउन देखने के लिए मिला है। तो आगे चल के मैं ट्रेडिंग व्यू के माध्यम से इसका प्रेडिक्शन करने वाला हूं दोस्तों, इसका प्रेडिक्शन कहां तक जा सकता है, कितना लो जा सकता है और कितना ऊपर जा सकता है, उस चीज का हम सारी चीज का एक बार स्टडी कर लेंगे। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हर वक्त पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव ही होगा। और जो भी ये मामला है, वो निश्चल चैटर्जी वजीरएक्स एक्सचेंज के जो ओनर है, CEO है, वो खुद उस चीज को देख लेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो उनका इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी चीज होगी वो क्लियर होगी, हमारे सामने ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी। तो घबराने की जरूरत हमें नहीं है, हम पॉजिटिव होकर दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि ट्रेड करते रहे, पॉजिटिव होकर सीखते रहे, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव वे में काम करें। और आगे चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ, और मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं उसका प्रेडिक्शन WRX क्वाइन का, कितना जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर मैंने जो इंडिकेटर्स लगाए हुए, सपोर्ट लेवल लगाए हुए यहाँ पर, लेकिन मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी जो है यहाँ पर देखेंगे आप, डाउन ट्रेंड बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे डाउन बिल्कुल अभी यहाँ से, ये इस सिचुएशन में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में आया हुआ है, इस तरीके से देखिए, इस डाउन ट्रेंड में अभी आया हुआ है। लेकिन इससे पीछे मैं अगर चलता हूँ दोस्तों, मैंने एक इंडिकेटर यहाँ पर लगाया हुआ था, तो मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं पीछे भी चलता हूँ, तो पीछे का इसका डाटा यहाँ से अगर हम लेते हैं दोस्तों, यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ से इसने डाउन ट्रेंड लिया था और यहाँ पर आके इस तरीके से इसने डाउन ट्रेंड लिया था, लेकिन यहाँ से डाउन ट्रेंड लेने के बाद तुरंत यहाँ से पंप लिया था और बहुत शानदार इसने यहाँ पर रिटर्न दिया था। उसके बाद अब यहाँ पर जब ये अप हुआ था, यहाँ से फिर से इसने डाउन ट्रेंड लिया था, यहाँ पर देखिए मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, यहाँ पर आप देखते हैं डाउन ट्रेंड इसने लिया था और लेने के बाद फिर से यहाँ पर आप देखेंगे फिर से इसने मूवमेंट लिया था और फिर से पंप मिला था देखने के लिए और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखे गया था। अब इसी तरीके की पोजीशन तो दोस्तों यहाँ भी बन रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको इंडिकेटर्स लगा के दिखाता हूँ, तो आपको समझ में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर दोस्तों लगाता हूँ और ये देखिए ट्रेड लाइन को मैं लगा लेता हूँ और आपको थोड़ा सा समझने में और आसानी हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, और ये लीजिए मैं सेकंड ट्रेड लाइन लगा लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेकंड ट्रेड लाइन लगाई है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखना चाहें तो इसका प्राइस यहाँ से ये देखिए सपोर्ट लेवल क्रॉस किया था और यहाँ से थोड़ा इसने ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट लेने के बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया और यहाँ से थोड़ा डाउन ट्रेंड में आया, जैसे ही न्यूज आई तो डाउन ट्रेंड में आता हुआ हमें दिखा और यहाँ से प्राइस का इस तरीके से गिरा।
गिरने के बाद अभी जो है ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है इनके अंदर ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ सपोर्ट लेवल, जो नीचे सपोर्ट लेवल मैंने बनाया हुआ था दोस्तों, 1.37 डॉलर पे बनाया हुआ है। और अभी करंट प्राइस की मैं बात करूँ तो 1.53 डॉलर, यहाँ पर आप देख सकते हो 1.53 डॉलर के समथिंग अभी चल रहा है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है ये, अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है, वैसे तो ब्रेकआउट करने के मुझे चांसेस कम ही लग रहे क्योंकि अभी सैटरडे संडे है, तो आपको पता है सैटरडे संडे थोड़ी सी मार्केट डाउन होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये टच किया और टच करने के बाद ऊपर चला गया, नीचे इसने डाउन ट्रेंड नहीं किया। अगर नीचे करता तो दोस्तों हमें प्राइस 1.37 डॉलर देखने के लिए मिलता, और इसके बाद इसमें ट्रेड करता नजर आता तो हमें प्राइस को 1.17 डॉलर देखने के लिए मिलता यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी नीचे ये नहीं आया है। अब यहाँ पर पोजीशन बन रही है दोस्तों, अगर ये इस ट्रेड लाइन को, यहाँ पर जो नॉर्मल से ये ट्रेड लाइन मैंने बनाया हुआ, अगर इसको ये ब्रेकआउट करता यानी कि इसको ये ब्रेक करता तो दोस्तों हमें प्राइस अभी 1.53 है तो हमें प्राइस देखने के लिए मिलेगा 1.70 डॉलर के समथिंग। और यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक करके जाता है दोस्तों और इसमें ट्रेड करता नजर आता तो फिर से हमें प्राइस 1.83 डॉलर के समथिंग देखने के मिल सकता है। और इसको ब्रेकआउट करता तो देखिए सपोर्ट लेवल अगला है 1.94 डॉलर, यानी कि अगर ऊपर ब्रेकआउट मारता है यानी कि ब्रेक करता है ये, तो 1.7 डॉलर से लेकर के 1.90 डॉलर तक हमें इसका प्राइस देखने के लिए मिल सकता है। और दोस्तों अगर ये डाउन जाता हुआ हमें दिखता है यानी कि डाउन ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है इस वाली को, तो 1.50 डॉलर से लेकर के 1.17 यानी कि 10 डॉलर तक हमें इसका प्राइस देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी उम्मीद चांसेस रहेगी कि ये संडे है कल, तो थोड़ा सा डाउन हमें और देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मंडे उम्मीद है कि यहाँ से ये फिर से मोमेंट लेगा, और अभी आप यहाँ पर देखेंगे ये इस तरीके से मोमेंट लेगा, और मोमेंट लेने के बाद फिर यहाँ पर हमें इस तरीके से देखने के लिए दोस्तों इसका प्राइस मिलेगा। यानी कि अभी आज और कल थोड़ा सा हमें इसी तरीके से ट्रेड करता मिलेगा ये, उसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा मोमेंट देखने के लिए मिलेगा ऊपर तरफ, और हमें यहाँ पर प्राइस अच्छा खासा मिल सकता है। तो अगर आप लोगों ने ज़्यादा प्राइस पर बाय किया है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, और अगर बाय नहीं किया तो डिप में आप एंट्री ले सकते हैं, अच्छा मौका मिलेगा अभी। क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ा डाउन आता है तो हमें प्राइस का 1.53 चल रहा, तो हमें प्राइस का 1.40 से लेकर 1.30 तक देखने के लिए मिल सकता है, तो एक अच्छा खासा मौका मिल सकता है। बाकी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, देखिए मार्केट है, अप डाउन चलता रहता है, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे, और बहुत जल्दी मार्केट भी रिकवर होगा। और जो भी ये यहाँ पर जो भी अभी ये नोटिस वगैरह का चल रहा है ये भी क्लियर हो जाएगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये तो वजीरेक्स का अगर उनके पास नोटिस आया है या आने वाला है तो वो तो क्लियर कर देंगे उस चीज़ को, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो फिर तो कोई चीज़ गलत होने वाली है नहीं। तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।